गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द लेसन आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस वाइफ। आइंस्टीन अपने पेटेंट ऑफिस में जो डेस्क ड्रॉअर थी उसको क्या कहता था और क्यों? आंसर, एडिसन कॉल्ड द डेस्क ड्रॉअर इन द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। एडिसन अपने पेटेंट ऑफिस में जो डेस्क ड्रॉअर थी उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा करता था क्योंकि ही कॉल्ड सो बिकॉज ही वॉज सपोज टू बी एसरिंग अदर्स इन्वेंशंस। क्योंकि वो उसको ऐसा इसलिए बोलता था क्योंकि उसकी जो नौकरी थी वो इसलिए थी कि वो दूसरे वैज्ञानिकों के आविष्कारों का अध्ययन करे। बट ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज एंड इन्वेंशन सीक्रेटली। लेकिन वो गुप्त रूप से चुपचाप अपने ही विचारों और अपने ही आविष्कारों को विकसित करता रहता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। एडिसन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखा? आंसर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा बिकॉज आइंस्टीन फियर्ड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। क्योंकि आइंस्टीन को इस बात का भय था कि जो नाजीस हैं, जर्मनी के जो लोग हैं, वो एक आणविक बम का, परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इन हिज लेटर रिटन टू फ्रैंकलिन ही वॉन्ट दैट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप इफ एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। अपने इस पत्र में उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को यह इस बात से सावधान किया, चौकन्ना किया कि इस प्रकार का एकमात्र बम यदि किसी बंदरगाह पर इसका विस्फोट किया जाता है तो यह बंदरगाह को तो पूरी तरह से नष्ट कर ही देगा, उसके साथ साथ आसपास के कुछ क्षेत्रों को भी नष्ट कर देगा। आफ्टर दैट अमेरिका स्टार्टेड डेवलपिंग एटॉमिक बम सीक्रेटली। इसके बाद अमेरिका ने चुपचाप गुप्त तरीके से अपने आणविक परमाणु बम का निर्माण करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तो एडिसन ने किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की? आइंस्टीन वॉज डीपली शॉक्ड व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम्स इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टीन को उस समय बड़ा दुख पहुंचा जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। He wished that discoveries of science must not be used for destructions. वो चाहता था कि जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, वैज्ञानिक खोजें होती हैं, उनका प्रयोग किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। He wrote an open letter to the United Nations against such use. उन्होंने इस प्रकार का एक पत्र लिखा संयुक्त राष्ट्र को कि इस प्रकार के जो प्रयोग हैं उनको रोका जाना चाहिए। He suggested the formation of a world government. और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का सुझाव भी दिया कि एक विश्व सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए जो इस प्रकार की गतिविधियों पर रोकथाम लगाए। नेक्स्ट है, Why does the world remember Einstein as world citizen? संसार जो है वो आइंस्टीन को एक विश्व व्यक्ति के रूप में क्यों याद करता है? आंसर, After seeing the destruction caused by atom bomb, जब आइंस्टीन ने देखा कि परमाणु बम के द्वारा कितना विनाश हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितना नुकसान हुआ, एडिसन स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट द आर्म रेस। तो एडिसन आइंस्टीन जो था उसने एक एक चीज प्रारंभ की जो कि युद्धों, जो कि हथियारों के प्रयोग की रोकथाम के बारे में थी। He started a campaign for peace and democracy और उन्होंने शांति और प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए एक अभियान छेड़ दिया। He proposed the formation of world government और उन्होंने प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया कि एक विश्व सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए। So he is rightly called the world citizen, इसलिए सही है कि उसको एक विश्व वैज्ञानिक, विश्व के व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। Here are some facts from Einstein's life. Arrange them in chronological order. यहाँ पर लेखक कहता है कि यहाँ पर आइंस्टीन के जीवन के बारे में कुछ
विचार दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ तथ्य दिए गए हैं, उन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो डी स्टूडेंट देयर आर सम फैक्ट्स, यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको हमको क्रम से लगाना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ऑल दिस फैक्ट्स आर अरेंज इन ऑर्डर, इन सारे जो फैक्ट्स हैं इनको यहाँ पर सही क्रम में लगाया गया है।